दोस्तों आज का प्लान है 15 फीट × 30 फीट, ये 50 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 450 स्क्वायर फीट। इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 4.5 लाख पर यूनिट। फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन है 15 फीट, इस साइड का डायमेंशन 30 फीट, बैक का डायमेंशन 15 फीट और इस साइड का डायमेंशन 30 फीट है। दोस्तों इस प्लान के 3 साइड में अदर प्लॉट बना हुआ है, इस साइड भी अदर प्लॉट बना हुआ है, बैक साइड में भी अदर प्लॉट बना हुआ है और इस साइड में भी अदर प्लॉट बना हुआ है। इसलिए हम लोग 3 साइड में कोई भी डोर और विंडो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ फ्रंट साइड में डोर और विंडो लगेगा क्योंकि फ्रंट साइड में ओपन है। दोस्तों हमने इस प्लान में ग्राउंड फ्लोर पे एक कार पार्किंग दिया है और फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक 2 BHK का प्लान है। इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का डायमेंशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ मेन गेट दिया हुआ है। इस मेन गेट से जब हम लोग इन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले कार पार्किंग एरिया मिलेगा, ये कार पार्किंग एरिया है। इस साइड में आप बाइक वगैरह भी खड़ी कर सकते हैं। इस कार पार्किंग एरिया का एक डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 14 फीट 2 इंच, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 17 फीट 7 इंच, एक डायमेंशन इस साइड में दिया गया है 9 फीट 9 इंच का, एक डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है 8 फीट 10 इंच, एक डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है 4 फीट 5 इंच और एक डायमेंशन यहाँ भी दिया हुआ है 8 फीट 9 इंच। इस कार पार्किंग एरिया में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, यहाँ मेन गेट लगेगा, ये डोर है स्टेयर का, यहाँ मैंने एक रूम दिया है उसका डोर यहाँ पे है। इस कार पार्किंग एरिया से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक रूम दिया है, इसका डायमेंशन है 11 फीट 2 इंच × 8 फीट 5 इंच, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 2 इंच और इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 5 इंच। इस साइड में एक मैंने अलमीरा दिया हुआ है। इस कार पार्किंग एरिया के साथ हमने इस रूम के लिए यहाँ पे एक बाथरूम दिया है, इसका डायमेंशन है 6 फीट × 4 फीट, इस साइड का डायमेंशन 6 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट है। इस बाथरूम में यहाँ टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ शावर पैनल दिया हुआ है, ये डोर है इस बाथरूम का, यहाँ मैंने एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, यहाँ पे एक डायमेंशन दिया गया 2 फीट का। दोस्तों यहाँ मैंने एक OTS दिया है, इसका डायमेंशन है 2 फीट × 2 फीट, इस साइड का डायमेंशन 2 फीट है और इस साइड का डायमेंशन भी 2 फीट है। इस OTS में तीनों साइड में 3 विंडो लगे हुए हैं, एक विंडो इस रूम साइड में लगा हुआ है, एक विंडो इस वॉश बेसिन साइड में लगा हुआ है, एक विंडो इस बाथरूम साइड में लगा हुआ है। दोस्तों आप इस बाथरूम के एयर को इस OTS के द्वारा ऊपर तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं, इस रूम में लगे AC के पाइपलाइन को भी आप इस OTS के द्वारा ऊपर तक ले जा सकते हैं। इस कार पार्किंग एरिया से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक स्टेयर एरिया दिया है, ये स्टेयर एरिया है, इसका डायमेंशन है 11 फीट 2 इंच × 5 फीट 4 इंच, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 2 इंच और इस साइड का डायमेंशन 5 फीट 4 इंच है। एक विंडो यहाँ पे दिया हुआ है कार पार्किंग साइड में, ये डोर है इस स्टेयर एरिया का। दोस्तों इस स्टेयर में यहाँ से आप होना स्टार्ट होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आएगा, इसके बाद और अप होंगे तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। इस प्लान में सभी वाल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। ये था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान, अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। इस स्टेयर में यहाँ से आप होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग, इसके बाद और आप होंगे तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। हम लोग यहाँ से जब एंट्री लेंगे तो यहाँ सबसे पहले डाइनिंग स्पेस मिलेगा, ये डाइनिंग स्पेस है, इसका डायमेंशन है 8 फीट 5 इंच × 9 फीट 9 इंच, इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 5 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 9 इंच। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक रूम दिया है, इसका डायमेंशन है 11 फीट 2 इंच × 8 फीट 5 इंच, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 2 इंच और इस साइड का डायमेंशन 8 फीट 5 इंच। इस रूम में भी हमने इस साइड में एक अलमीरा दिया हुआ है, ये डोर है इस रूम का। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने यहाँ पे एक बाथरूम दिया है, ये बाथरूम है, इसका डायमेंशन है 6 फीट × 4 फीट, इस साइड का डायमेंशन 6 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट। इस बाथरूम में यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ शावर पैनल लगा हुआ है, ये डोर है इस बाथरूम का। यहाँ OTS दिया हुआ है जो ग्राउंड फ्लोर पे था, डायमेंशन सेम वही रहेगा 2 फीट × 2 फीट का, इस साइड का डायमेंशन 2 फीट और इस साइड का डायमेंशन भी 2 फीट। इसमें 3 विंडो लगे हुए हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ था, इस साइड में
और इस साइड में भी। इस बाथरूम के एयर को आप इस ओटीएस के द्वारा ऊपर तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं, इस साइड के एयर को भी आप ऊपर तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं, और इस रूम में लगे एसी के पाइपलाइन को भी आप इस ओटीएस के द्वारा ऊपर तक ले जा सकते हैं। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है दोस्तों। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने इस साइड में एक किचन दिया है। यहाँ पे किचन है, इसका डायमेंशन है 8 feet 9 inch x 3 feet 11 inch। इस साइड का डायमेंशन 8 feet 9 inch और इस साइड का डायमेंशन 3 feet 11 inch। इस किचन में यहाँ पे गैस स्टोव रखा हुआ है, यहाँ पे किचन सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे एक विंडो दिया गया वेंटिलेशन के लिए। ये ओपन डोर है इस किचन का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक और रूम दिया है, इसका डायमेंशन है 8 feet 9 inch x 9 feet 10 inch। इस साइड का डायमेंशन 8 feet 9 inch और इस साइड का डायमेंशन 9 feet 10 inch। इस रूम में एक विंडो यहाँ पे लगा हुआ है फ्रंट साइड में, ये डोर है, आगे में एक मैंने बालकोनी दिया है इस रूम के साथ उसका। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बालकोनी दिया हुआ है, इसका डायमेंशन है 3 feet 6 inch x 15 feet। इस साइड का डायमेंशन 3 feet 6 inch और इस साइड का डायमेंशन 15 feet, इधर भी 3 feet 6 inch हो गया। दोस्तों इस बालकोनी के लिए हमने 3 feet 6 inch आगे की ओर निकाला हुआ है, जिसका डायमेंशन फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक इस बालकोनी के लिए आगे की ओर निकला हुआ रहेगा सेम डायमेंशन। इस प्लान में हम लोग कॉलम की बात करते हैं। इस प्लान में टोटल 10 कॉलम लगे हुए हैं, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ भी लगा हुआ है, एक कॉलम यहाँ लगा हुआ है, एक कॉलम यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ भी है और एक यहाँ पे है। ये टोटल 10 कॉलम ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक रहेगा। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक भी ये कॉलम लगा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा हुआ है। इस प्लान में दोस्तों आपको मिलता है यहाँ कार पार्किंग, यहाँ बाइक पार्किंग, यहाँ पे बाथरूम मिल जाता है, यहाँ पे एक वॉश बेसिन मिल जाता है, यहाँ पे ओटीएस मिल जाता है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ एक रूम मिल जाता है और एक सेपरेट स्टेयर मिल जाता है, और फर्स्ट फ्लोर पे ये सेपरेट स्टेयर के साथ यहाँ एक रूम मिल जाता है, यहाँ डाइनिंग स्पेस मिलता है, यहाँ वॉश बेसिन मिलता है, यहाँ ओटीएस मिलता है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ एक बाथरूम मिल जाता है कॉमन बाथरूम, यहाँ एक रूम मिल जाता है, यहाँ पे एक किचन मिलता है और ये बालकोनी मिल जाता है आपको फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक। दोस्तों ये था हमारा 15 feet x 30 feet का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।